साईराम, मैं शालिनी प्रशांति से। गणेश शरणं शरणं गणेशाय, साई शरणं शरणं साई सा। गणेश शरणं शरणं गणेशाय, साई शरणं शरणं साई सा। साईराम, ये प्रभु के बोल थे, मैं दो लाइन गा दी। मैं गणेश टेम्पल के पास आ चुकी हूँ। वहाँ से हम निकल कर नंगर संगी मंदिर का परिक्रमा करते हुए फिर हम गणेश टेम्पल में आएंगे। इस तरह हम परिक्रमा करें, भजन करते हुए, नगर संगीत करते हुए हम गणेश टेम्पल में आ चुके हैं। अब हम अपने रूम में जा रहे हैं। रूम से मैं 9 बजे निकल चुकी हूँ। बाबा आ चुके हैं और भजन शुरू हो गया है। मैं भजन में शामिल हुई, आरती हुआ, इसके बाद क्यों में मैं बाबा का दर्शन करी। दर्शन करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैं बाहर आई मेन गेट से। नीलू भी बाहर आ चुके हैं मेन गेट से। हम लोग, बाबा के मम्मी पापा हैं वहाँ, हम लोग फूल चढ़ा रहे हैं और आगे बढ़े हैं। त्रिवेणी संगम है, कपि का मंदिर है, गौशाला है, इस सब का परिक्रमा करें, सब जगह हाथ जोड़े और फिर हम मंदिर में प्रवेश करें। हम मंदिर में रूम लेकर हैं, दोपहर को आराम करें। फिर मैं 4 बजे घर रूम से निकल चुकी हूँ और मंदिर में आकर बैठ गई हूँ। भजन शुरू हुआ है, बाबा भी आ चुके हैं, दर्शन हुआ, आरती हुआ। फिर पूरे लोग मंदिर से निकल कर गणेश टेम्पल है। गणेश टेम्पल में सब इकट्ठे होते हैं, सब ग्रुप बना बना कर वहाँ बातें करते रहते हैं। फिर इसके बाद में आरती होता है गणेश जी का। फिर हम सब अपने अपने जगह में, अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इस तरह हम भी वही करते हैं कि गणेश टेम्पल से निकल कर मैं रूम में आ गई और मैं आराम कर रही हूँ। कल सुबह फिर आपसे मिलती हूँ। कल मेरा 3रा दिन है प्रशांति में। साईराम।